सहरसा पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां बनगांव थाना क्षेत्र के रहुआ मनी स्थित मस्जिद के बगल में अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी के मामले में SP लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बनगांव थाना क्षेत्र में रहुआ मनी स्थित मस्जिद के बगल में कुछ अपराध कर्मी अपराध की योजना बना रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं SP लिपि सिंह ने क्या कुछ कहा है इस घटने को लेकर। रहुआ मनी गांव में जो एक मस्जिद है, वहां पर कुछ अपराधी हथियार के साथ कुछ योजना बना रहे हैं क्राइम करने की। घटना का सत्यापन करने के बाद SDPO सदर के नेतृत्व में बनगांव थाना अध्यक्ष और उनकी टीम मेंबर्स ने घटनास्थल पर रेड किया। रेड के क्रम में अपराधी भागने लगे, उनमें से 3 को पकड़ा गया, जिसमें अभिषेक राज, हरेश्वर कुमार और सन्नी झा, इन 3 को गिरफ्तार किया गया और साथ में इनके 2 साथी भागने में सफल रहे। इनके पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 17 राउंड लाइव गोलियां, 1 थार जीप जिसमें 6 बॉटल अंग्रेजी शराब और 1 अपाची मोटरसाइकिल जिसकी डिक्की में 2 बॉटल अंग्रेजी शराब रखी हुई थी। साथ में इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन को भी बरामद किया गया है। घटना किसी बड़ी, ये लोग का प्लान था जो कि उन्होंने स्वीकार किया है कि कोई बड़ी घटना करने की कोशिश कर रहे थे लूटपाट की, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घटना को रोकने का प्रयास किया और उसमें सफल रही है। तो इस और ये जो है अभिषेक राज, इसमें इन लोग का गैंग लीडर टाइप ऑपरेट करता है, तो इसके जेल में जाने से मुझे लगता है कि काफ़ी राहत मिलेगी। किस तरह की घटना को ये लोग लूटपाट की घटना, उन्होंने पूर्व में भी कुछ लूटपाट के कांड किए हैं इनके साथियों ने मिलकर के। अपराधी घटना इतिहास हो रहा है, वो खंगाला जा रहा है और वो आपको जानकारी दे दी जाएगी खुद पर।